Good evening, students. How are you? So today I will discuss about seed priming. So seed priming के बारे में जहाँ तक मुझे पता है कि आपने पहले ये वर्ड सुना नहीं होगा, लेकिन आज इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि सीड प्राइमिंग क्यों जरूरी है, क्यों सीड प्राइमिंग हम लोगों को करना चाहिए। सो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि सीड प्राइमिंग एक हम मैंने आप कह सकते हैं कि जर्मिनेशन परसेंटेज को बढ़ाता है। चलिए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि सीड प्राइमिंग जैसा कि बताया था आप लोगों को कि इसमें पहले हम एक सीड को ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद सीड ट्रीटमेंट के भी कई होते हैं। तो पहले क्या है कि हमको एक ऐसा सीड यूज़ करना है जिससे क्या है कि आपका जो सीडलिंग वो विग्रस हो, और जिससे क्या है कि आपका जो क्रॉप यील्ड हो ज़्यादा हो जाए। एंड सीड कैन रिटेन देयर हाई विगर फॉर सम टाइम एंड देयर आफ्टर बिगिन टू डिटेरियट लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी एंड विगर एंड वायबिलिटी। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि समटाइम्स क्या होता है कि सीड्स जो है ना हाई विगर होते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर बाद में क्या है कि धीरे धीरे अपना विगरसिटी खो देते हैं। तो इसलिए लो सीड विगर्स जर्मिनेट एंड इमर्ज पुअरली एंड रिजल्ट इन स्मॉलर प्लांट्स एज कम्पेयर टू द हाई विगर सीड। तो हमेशा हम बात करते हैं कि सीड शुड बी ऑलवेज हाई विगरस और इट शुड बी और विगरेस और विगरसिटी ऑफ सीड शुड बी हाई। तो कुछ सीड इन्हांसमेंट टेक्निक्स हैं, जैसा कि कैसे आप इन्हांसमेंट कैसे उसके जर्मिनेशन को बढ़ाएंगे। सो सीड इन्हांसमेंट आर द प्री जर्मिनेशन ट्रीटमेंट्स दैट इम्प्रूव जर्मिनेशन रेट टाइमिंग एंड सीड ग्रोथ और फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ सीड्स एंड अदर मटेरियल्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सोइंग। एंड पर्पस ऑफ सीड ट्रीटमेंट इज टू शॉर्टन द टाइम बिटवीन प्लांटिंग एंड इमर्जेंस। सो प्राइमिंग आप कह सकते हैं कि ये प्री क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट है, प्री सीड इन्हांसमेंट टेक्निक्स होता है। कंट्रोल हाइड्रेशन टेक्निक इन विच सीड्स आर सोक्ड इन वाटर और लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल सॉल्यूशन टू अ पॉइंट वेयर जर्मिनेशन रिलेटेड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बिगिन इन द सीड्स बट रेडिकल इमर्जेंस डज नॉट अकर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सीड्स को ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करें जिसमें कि सीड्स क्या है कि ऑलरेडी वो पहले से प्लान है, जो भी उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है हर चीज़ वो एक्टिव स्थिति में आ जाए। और जैसे ही उसको हम मीडियम प्रोवाइड करें लाइक सॉइल मीडियम या कोई भी मीडियम प्रोवाइड करें, तो उसमें क्या है कि रेडिकल इमर्जेंस फास्ट हो जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो टाइम जो है ना, जैसे कि हम जब सीड जब सोइंग करते हैं सॉइल में तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, सोकिंग होती है, तो वो जो आपका टाइम है वो आपका सेव हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मतलब कि प्राइमिंग मतलब कि एक प्री कंडीशंस है, आप सीड को एक प्री कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्री कंट्रोल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपका सीड जो है ना फुल्ली प्रिपेयर्ड है फॉर जर्मिनेशन। क्योंकि अगर ड्यूरिंग प्रिपरेशन अगर जर्मिनेट हो जाए तो फिर अगेन आपका क्या है कि वो ख़राब हो सकता है आपका, इसलिए वो फुल्ली प्रिपेयर्ड है। जैसे ही आप सॉइल में आप डालेंगे या सोइंग करेंगे तो आपका जो रेडिकल है वो इमर्ज आउट हो जाता है। देयर आर डिफरेंट सीड प्राइमिंग प्रोसेसेस आर देयर। सो प्राइमिंग अलाउज सम ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन टू अकर विदाउट जर्मिनेशन टेक प्लेस। सो अभी जैसे बताया था कि उसमें जर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, बाकी जितने भी प्रोसेसेस हैं वो पूरा हो जाना चाहिए। एंड दिस प्रिवेंट द सीड फ्रॉम एब्जॉर्बिंग इन एनफ वाटर फॉर रेडिकल प्रोटीजन दस सस्पेंडिंग द सीड इन द लैग फेज। क्योंकि लॉग फेज में नहीं जाएगा, क्योंकि लॉग फेज में जाएगा तो क्या आएगा आपका जो जर्मिनेशन है हो जाएगा। एंड दिस टेक्निक इज सफिशियंट टू परमिट प्री जर्मिनेशन मेटाबोलिक इवेंट्स बट इनसफिशियंट टू अलाउ रेडिकल प्रोटीजन थ्रू द सीड कोट। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स लाइक कंट्रोल इम्बाइबेशन, एंजाइम एक्टिवेशन, डिहाइड्रेशन, इम्बाइबेशन इन द फील्ड एंड रेडिकल इमर्जेंस। तो फाइनली क्या होगा कि रेडिकल आपका इमर्ज होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की सीड कैसे इम्बाइबेशन एक्टिवेशन कैसे ग्रोथ होता है साइड में, कि जो अनट्रीटेड सीड है वो क्या है कि आप देखेंगे कि वो उसका जर्मिनेशन मतलब कुछ ग्राफ है
वो धीरे धीरे क्या है कि स्लोली 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 आगे बढ़ रहा है, बट जो प्राइम सीट जो ऑलरेडी जो ट्रीटमेंट सीट्स है जो प्राइम किया हुआ है उसका जनरेशन परसेंटेज देखिए 100% की तरफ जा रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अनट्रीटेड सीड एंड प्राइम। सो व्हाट आर द एडवांटेज, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे दो फिगर दिया गया है, कंट्रोल वर्सेज पीजी 6000 मीन्स पीजी मतलब कि ये अभी इट इज कॉल्ड प्राइम सीड है, पीजी मीन्स पॉलीथिलीन ग्लाइकोल। देखिएगा कि इनकेस ऑफ सेकेंड पीजी 6000 आपका प्लांट्स काफ़ी हेल्दी कंडीशंस में है। तो फर्स्ट टाइम आपका जो फर्स्ट पॉइंट था जो बताया था कि इट डिक्रीजेज द टाइम टू जर्मिनेशन और फॉर जर्मिनेशन, तो टाइम आपका कम हो गया। इंक्रीज द रेट ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन जो आपका जो रेट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फाइनली आपका बताया था कि अगर जहाँ हेक्टेयर की बात करते हैं या एकड़ की बात करते हैं अगर वहाँ पर जर्मिनेशन नहीं होता है तो यू आर गोइंग टू लूज ए लॉट, सो डैट्स वाई इट इंक्रीज द रेट ऑफ जर्मिनेशन। थर्ड इज इमर्ज फ्रॉम सॉइल मोस्ट फास्टर एंड यूनिफॉर्मली, क्योंकि सीड ऑलरेडी वो किस कंडीशन पी कंडीशन में है, जैसे ही आप सोइंग करेंगे तो फटाफट वो इमर्ज हो जाएगा। एंड क्रॉप कैन कम्पीट मोर इफेक्टिवली देन वीड्स, तो जैसे कि आपने सुना होगा कि जनरली वीड्स क्या अगर क्रॉप लगाते हैं तो समटाइम्स क्या है कि वीड्स पहले ग्रो जाता है और सीड जो है ना बाद में ग्रो होते हैं। उस कंडीशन में क्या है कि अगर वीड आपने नहीं निकाला, वीड रिमूव नहीं किया, तो आपका जो मेन प्लांट्स है उसका ग्रोथ रुक जाता है, कम हो जाता है, एंड फाइनली इट इज गोइंग टू द रिड्यूस द यील्ड। इसलिए अगर आपका प्राइम सीड है तो फास्ट ग्रो होगा और वीड सीड बाद में ग्रो होगा, तो एक बार अगर प्राइम सीड के चलते अगर सीड आपका पहले ग्रो हो जाता है तो उसमें वीड्स का जो है ना आपका जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है, क्योंकि मेन क्रॉप विल ग्रो फास्ट एंड वीड विल बी सप्रेस्ड, द ग्रोथ ऑफ वीड्स विल बी सप्रेस्ड। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमिनेट और ग्रेटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सीड बॉर्न डिजीज और सीड बॉर्न फंजाई। सो इससे फ़ायदा है कि क्योंकि ऑलरेडी आप ऑलरेडी सीड को आप पार्टिकुलर ट्रीटमेंट दिए हुए हैं तो उससे क्या हुआ कि आपका जो सीड बॉर्न जो फंगस है वो कम हो जाएगा। एंड फाइनली इम्प्रूव सीड परफॉर्मेंस स्ट्रेस कंडीशन, सो ऑलरेडी यू नो कि दे आर अबायोटिक स्ट्रेस एंड बायोटिक स्ट्रेस, सो बिकॉज यू हैव गिवन सर्टेन ट्रीटमेंट्स सो इट इम्प्रूव द सीड परफॉर्मेंस स्ट्रेस कंडीशन। जर्मिनेशन ऑफ प्राइम सीड, सो आप देखिए यहाँ पे दो आपका जो पैनल है दो फिगर दिखाया गया है। सो हियर क्या है, इरेगुलरिटीज इन सीड जर्मिनेशन, पुअर क्वालिटी ऑफ सीड्स, आपका सीड्स क्या है ये नहीं। सेकेंड कंडीशन में क्या है, यूनिफॉर्मिटी इन द जर्मिनेशन ऑफ प्राइम सीड, तो आपका सीड यूनिफॉर्म ग्रो हो रहा है, विग्रस ग्रो हो रहा है, हेल्दी ग्रो हो रहा है, तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द प्राइम सीड वर्सेज। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सीड प्राइमिंग, सो दीज आर द सीड प्राइमिंग मेथड्स, ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स यूज फॉर प्राइमिंग। सो दे आर मेन फोर कॉमन मेथड्स यूज फॉर प्राइमिंग, फर्स्ट इज हाइड्रो प्राइमिंग, देन ऑस्मोटिक प्राइमिंग, सॉलिड मैट्रिक्स प्राइमिंग, देन बायो प्राइमिंग। तो आप देखिए यहाँ पे इसको हम नाउ आई विल हाइड्रो प्राइमिंग मीन्स आई नेम इंडिकेट हाइड्रो मीन्स वाटर, सो प्राइमिंग इन्वॉल्व सोकिंग इन वाटर एंड ड्राइंग बैक टू स्टोरेज मॉइस्चर प्रायर टू द सोइंग ऑफ सीड्स, तो पहले इसको आप सोक करिए फिर ड्राई करिए देन उसको आप सोइंग करिए, एंड दिस डिक्रीज द टाइम दैट सीड्स स्पेंड इन द सीड बेड सिंपली इम्बाइबिंग वाटर। तो आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस। डिसएडवांटेज के क्या है कि इट मे रिजल्ट इन अनइवन हाइड्रेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म जर्मिनेशन, सोकिंग इज नॉट सुटेबल फॉर सम प्लांट स्पेसीज एज रैपिड हाइड्रेशन मे कॉज लीकेज ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। सो सीड ह्यूमिडिफिकेशन, सीड्स आर ट्रीटेड अंडर द कंडीशन ऑफ हाई ह्यूमिडिटी, इसको इसके थ्रू इफेक्ट ऑफ हाइड्रो प्राइमिंग ऑन द वीट सीड्स। सो आप देखिए हाई विग्रस होता है, जर्मिनेशन परसेंटेज को बढ़ाता है, सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट करता है, यूनिफॉर्म ग्रोथ होगा, वाटर यूज एफिशिएंसी आपका बढ़ जाएगा, ग्रेन यील्ड आपका ज़्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्राइमिंग दैट इज कॉल्ड सेकेंड प्राइमिंग, सो ऑस्मोटिक प्राइमिंग इज द सोकिंग ऑफ सीड इन सॉल्यूशन कंटेनिंग केमिकल्स, जैसे कि बताया था उसमें कि पोटासियम नाइट्रेट O3 नीचे होगा, पोटासियम क्लोराइड PEG, सोडियम क्लोराइड, सो दीज आर द डिफरेंट केमिकल्स यू कैन सोक द सीड्स इन दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो यू कैन सी द डिफरेंस कंट्रोल वर्सेज PEG ट्रीटेड,
So in case of control condition, only few seeds have been germinated or have germinated. In case of PEG, most of the seeds have already germinated. Now third is solid matrix priming. So solid matrix priming involves the incubation of seeds in a solid insoluble matrix such as vermiculite, diatomaceous earth or another highly water absorbent polymer with a limited amount of water, allowing for slow imbibition. Next is biopriming. Ye bhi kafi common hai. Biopriming is a process of biological seeds treatment that refers combination of seed hydration, that is called physiological aspect of disease control, and inoculation, that is called biological aspect of disease control of seed with beneficial organism to protect the seeds. So this is called hydration of seeds plus bioagent, and that is called biopriming. So dono ko isme hum combine kar rahe hain, hydration bhi and bioagent. Like it is the ecological approach using selected fungal antagonist against the soil and seed borne pathogens. Ab dekhiye generally kya arise jo seeds hai usko biopriming karte hain trichoderma se. Drying seeds after priming process. So seed dehydrated is used for seed drying after priming process, and slow drying at moderate temperature is generally preferable. Heat shock is also used. So thank you very much. So इस पर आपकी शॉर्ट नोट आ सकते हैं कि what is the priming method, right? And what is the priming? What is the different methods for priming? Thank you very much.